अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग। खैर से आज है वैलेंटाइंस डे, सोचा आज की वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर कर दूं। हेलो जी, कैसे हो सारे? ठीक हो? ईसा भी ठीक है। अच्छा इधर देखना ईसा। लोग कहते हैं कि ईसा परफॉर्मेंस का नहीं है, आप झूठ बोलती हैं, ईसा बड़ा है। आप लोग देख सकते हैं ईसा छोटा सा बेबी है, वो बस ड्रेसिंग की वजह से थोड़ा सा बड़ा लगता है। मैं इसको भी रेडी करूँगी तो फिर आप लोग खुद देख लीजिएगा कि मैं कोई झूठ नहीं बोलती, ईसा वाकई छोटा है। हेलो गर्ल्स, कैसा लग रहा हूँ मैं? माशाल्लाह, ये तो वो प्यारा लग रहा है। इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 2 और नाश्ते का टाइम खैर से गुजर चुका है। वैसे तो रोज़ नाश्ता मुझे मामा बना के देती हैं, तो वो थोड़ी बिजी थी तो मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, मैं खुद ही बना लेती हूँ। बाकी मैं सिर्फ वीडियोस नहीं बनाती रहती, मुझे कुकिंग भी आती है। तो ये रहा मेरा नाश्ता, नाश्ता कह लें, खाना कह लें। अंडा मुझे पसंद नहीं है, मैं अंडा नहीं खाती। चाय भी मुझे पसंद नहीं है, दूध भी मुझे पसंद नहीं है। तो मेरे नाश्ते में सिर्फ पराठा होता है या सालन होता है या पानी होता है। तो जब मैं नई नई आई थी तो सब बड़ा हैरान होते थे कि भई ये तो चाय भी नहीं पीती, सूखा नाश्ता कैसे कर लेती है। तो आई थिंक आप जिस चीज़ की आदत डालो आपको वैसी आदत डल जाती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस यही मेरा नाश्ता है, ऐसे ही हम जी रहे हैं, खा पी रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं मेरे पे कितना जुल्म हो रहा है ये लोग मुझे खाने के लिए सिर्फ रोटी देते हैं। ज़्यादा सीरियस ना होए, आई एम जस्ट किडिंग, ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी थूके बैंक तो इतनी सॉरी गुलाम के कर समझाते रहे थोका आई ना, मैं किस तरह करान अंदर नहीं जा रहे। दादू क्या कह रही है? इतने लोगों ने माशाल्लाह भेजा। टंटना, फाइनली 10 घंटे इंतजार करने के बाद मेरा भी गिफ्ट आ गया। अब हम दिखाएंगे ईसा की दादू को। आपके बेटे ने वैलेंटाइन गिफ्ट भेजा। क्या भेजा? देख ले, ये तो केक और फूल है। फूल तो ये क्या, ये तो ईसा के भेजा। ये तो ईसा के भेजा, नहीं नहीं ईसा के, मेरे यार ईसा के भेजा, ये ईसा के भेजा। ईसा के भेजा नहीं, मेरे यार शोके बेटा, मामा का भी गिफ्ट आ रहा है। पापा सोच रहा होगा कि काश मैं ईसा का नाम ना लेता, मेरे पैसे बच जाते, लेकिन नहीं, अब तो लग गए। चंतना, फाइनली माय वैलेंटाइन प्रेजेंट इज़ हेयर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली फ्लावर्स। आई जस्ट लव फ्लावर्स, मुझे फ्लावर्स इतने पसंद हैं, इतने पसंद हैं। मैं कहती हूँ किसी ने गिफ्ट देना हो तो प्लीज़ मुझे फ्लावर गिफ्ट कर दें या मुझे सेंटेड कैंडल्स गिफ्ट कर दें। मैं इन दोनों चीज़ों की फ़ैन हूँ लिटरली। ये कैंडल्स बेसिकली मैंने खुद ऑर्डर की थी, मैंने सोचा मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, अभी तो मैंने ओपन भी नहीं किया था और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये कैंडल्स मैंने ब्राइट एंड लाइट्स ऑर्डर की थी, लेकिन ये टैरो मैंने बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं किया था। आई थिंक ये उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री भेजा है एज अ गिफ्ट, थैंक यू सो मच। लिटरली इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, आई कांट इवन एक्सप्लेन। ये बहुत क्यूट लग रहा है। बाकी चीज़ें देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या ऑर्डर किया था। टन टना, मैंने ये ऑर्डर की थी, एक ही ऑर्डर की थी और एक मैंने छोटी कैंडल ऑर्डर की थी क्योंकि मुझे ये सबसे ज़्यादा क्यूट लगी थी। वो ये रही,
और मैंने इनको रखने की जगह भी डिसाइड की हुई है और मैं इनको रखूँगी यहाँ अपनी रेजिन ट्रे में, ये मुझे बहुत पसंद है। चले आए इनको सेट करते हैं। अच्छा पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। दिस इज़ माय लास्ट एनिवर्सरी गिफ्ट, मैंने अभी तक ओपन नहीं किया। लेट मी शो यू गाइस, विक्टोरिया सीक्रेट बॉम सेल गिफ्ट बॉक्स। और आप लोग अंदाज़ा कर लें मुझे कितना पसंद है कि मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया, ये अभी तक ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है और ये आई थिंक ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। कुछ अर्सा पहले मुझे रिजन आर्ट का बहुत शौक चढ़ा था, तो मैं शौक शौक में सारी चीज़ें बाय करके लाई थी। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम कोई चीज़ ट्राई की थी वो ये ट्रे है। फ़र्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बनी थी, बस इसके अलावा मैंने कुछ ट्राई नहीं किया, मेरी सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही पड़ी हुई हैं। तो चलें अब मैं कैंडल्स को सेट करती हूँ और फिर आपको सेट करके दिखाती हूँ। आई थिंक मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये कितने मज़े की लग रही हैं आप लोगों के सामने, आप लोग देख सकते हैं। एक्चुअली दिस व्यू इज़ स्पेशली फॉर एस्थेटिक लवर्स, उनको पता है कि ये कितनी मज़े की लग रही हैं। एनी हाउ कैंडल सेट करते वक्त याद आया कि बहुत सारे क्वेश्चन थे कि आप इसे के फेस पर कौन सी क्रीम यूज़ करती हो, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। मैं यूज़ करती हूँ बेबी ओ बाम, इससे स्किन बेबी की स्किन बहुत सॉफ्ट रहती है और इससे ड्राइनेस भी नहीं होती, और सबसे मज़े की बात इससे बेबी की स्किन का कलर भी चेंज नहीं होता। वरना इस रंग की कोई चीज़ हम यूज़ करते हैं तो फेस का टेक्सचर चेंज हो जाता है, बेबी की स्किन का कलर चेंज हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छी है। इनका बॉडी एंड हेयर वॉश भी बहुत अच्छा है, रियली सूटेबल फॉर न्यू बॉर्न बेबीज इन सेंसिटिव स्किन। ईसा सो रहा था तो मैंने सोचा मौका अच्छा है, इसको लेटाती हूँ टैडू की गोद में और करती हूँ इसका प्यारा प्यारा सा फोटोशूट। मैं कभी कभी सोचती हूँ ये बड़ा होगा तो देख के कितना खुश होगा मेरी मामा, कितनी अच्छी नहीं एक एक मोमेंट कैप्चर करके रखा हुआ है। कभी गंदी आदतें जाएंगी, हम जाने लगे हैं जो मैं चूची याद आ गए, हृदय नहीं अच्छी। जी आपका टिडू सेलिब्रिटी कपड़े गंदे कर चुका है और ना चाहते हुए भी मुझे इसका आउटफिट चेंज करना पड़ा है, बिकॉज हम लोग जा रहे हैं डिनर पर। अब जाहिर सी बात है गंदे कपड़ों में जा नहीं सकते, तो मैं इसको चेंज करूँगी। फाइनली वी आर रेडी टू गो, चलो चलते हैं। फाइनली वी आर बैक, मैं कोई वीडियो नहीं बना सकी बिकॉज ईसा वॉज लाइक मैं जब कुछ नहीं खा सकता तो ये क्यों खाएं। एनी हाउ आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।